इंडिया पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस और एमटीएस की नौकरी तो ले रहे हो, क्या आपको सैलरी पता है हर महीने कितनी मिलती है? नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप देख सकते हो, सर इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आखिर सैलरी कितनी मिलती है कर्मचारियों को, जैसे कि जीडीएस हुआ, एमटीएस हुआ, सैलरी के बारे में इसलिए अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्योंकि पागल बनाया जा रहा है। ऐसे बताया जा रहा है कि जीडीएस की नौकरी मत लीजिए, 8-9 हजार की सैलरी मिलती है, क्या करोगे इसकी बजाय तो कोई प्राइवेट नौकरी ही कर लीजिए। मेरे भाई, अगर जानकारी आपको लेनी है तो विथ प्रूफ के साथ लीजिए, ठीक है। जो भी आपको बता रहा है आप थोड़ा उसका पिछला रिकॉर्ड भी देखिए कि कैसे क्या उसका बैकग्राउंड है, तब जाकर उस पर आप बिलीव कीजिएगा। मैं आपको एकदम इंडिया पोस्ट ऑफिस एमटीएस और जीडीएस की सैलरी बता रहा हूं नई, जो हाल फिलहाल में मिल रही है, ठीक है। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपकी रहेगी। इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस टू एमटीएस बनोगे तो सैलरी कितनी रहेगी एंड जीडीएस पद की सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। न्यू वैकेंसी आ रही है 2023 में, अब नौकरी के बाद सैलरी तो जान ही लेते हैं, उससे क्या है पढ़ने में और मन लगेगा। जब हम किसी भी नौकरी की सैलरी देखते हैं ना, फिर हमारे मन में ऑटोमेटिक विचार आते हैं, नहीं यार पढ़ाई कर लेते हैं, इतनी खतरनाक सैलरी मिलती है, इससे तो हम अमीर बन जाएंगे, सारी फैसिलिटी हमको मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, सैलरी की बात करूं, पद का नाम है एमटीएस, यह ग्रुप सी के अंदर आता है, ठीक है, सभी को मालूम है ना, ग्रुप सी वाली पोस्ट है यह। इसमें बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं दोस्तों, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए आपको क्वार्टर दिया जाएगा मेरे दोस्त, इसके 3500 प्लस आपको मिलते हैं। बेसिक पे अगर देखा जाए तो 18000 रुपए के समथिंग होता है। बाकी इसमें डियरनेस अलाउंस, जिसे हम महंगाई भत्ता भी कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो महंगाई भत्ता है यह अलग अलग शहरों के अकॉर्डिंग रहता है। बड़े शहरों में अगर आपकी नौकरी लग गई तो वहां एचआरए ज्यादा निकल कर आएगा, अगर छोटे शहरों में आपकी नौकरी लगी एमटीएस के पद पर इंडिया पोस्ट ऑफिस में, तो वहां एचआरए कम निकल कर आएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1500 रुपए का है, ठीक है। 3000 रुपए के समथिंग यहां पर जो है महंगाई भत्ता हो जाता है, बाकी एडियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के 150 रुपए इसके और हो जाते हैं। एंड दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिलते हैं 850 प्लस, बाकी जो एयरनेस बकाया जो होता है उसका भी 9000 प्लस रुपए मिलते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है ये कोई मन से नहीं बताया है, या फिर कहीं इधर उधर सोशल मीडिया से नहीं लिया है हमने। जो आज प्रेजेंट टाइम में एमटीएस के पद पर नौकरी ले रहा है, बिल्कुल उसका ही डाटा है ये। अब सैलरी स्लिप बताना अच्छी बात नहीं है, किसी की सैलरी है उसको प्राइवेट ही रहने दीजिए, विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, इतनी ही सैलरी है, ठीक है। इन हैंड काट फीट कर सैलरी की बात करूं मेरे भाई, तो 29000 प्लस, कम नहीं प्लस ही एमटीएस के पद की नौकरी है। अब देख लीजिए आप, क्यों नौकरी नहीं ले रहे हो आप? इंडिया पोस्ट ऑफिस सिलेक्शन लेना आसान है, क्यों घबराते हो यार, मेरी समझ में नहीं आता है। अब जीडीएस के बारे में देखिए कितनी खतरनाक अफवाह फैलाई जा रही है। एक तो जीडीएस में बीपीएम पद होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, इनके कार्य दोस्तों, इनका ड्यूटी टाइम दोस्तों 4 घंटे और 5 घंटे ही रहता है, ठीक है, और घंटे के हिसाब से ही इनकी सैलरी मिलती है। जैसे 4 घंटे बीपीएम के पद पर नौकरी करोगे तो 12000 रुपए बेसिक पे है, 5 घंटे करोगे तो 14500 रुपए है, ठीक है, और ड्यूटी टाइम ज्यादातर 10 बजे से और दोपहर के 3 बजे तक का रहता है। एंड दोस्तों, आप एबीपीएम, जिसे हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, अब आपको नहीं पता कि जीडीएस में भी 2 पद होते हैं, बीपीएम और एबीपीएम, इनकी अच्छे से आपको जानकारी लेनी है तो हमने बता दिया है, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, बीपीएम वर्सेज एबीपीएम का दोनों का अलग अलग कार्य क्या रहता है। आज तो सैलरी देखिए आप, एबीपीएम डाक सेवक जैसे कहते हैं, 4 घंटे नौकरी करोगे तो 10000 रुपए है, 5 घंटे करोगे तो 12000 रुपए सैलरी है। अब इस सैलरी को देखकर अभ्यर्थी क्या है,
गलत फहमी पाल रहे हैं, सोच रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में 10,000 की नौकरी है यार, अपने परिवार वालों को छोड़कर कहीं 10,000 रुपए की हम नौकरी करने जाएंगे, वो भी कोई सरकारी नहीं है, स्थाई नहीं है, ऐसे ही मामला चल रहा है। तो आखिर क्या सिस्टम है? फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आपके माता पिता की चिंता है और परिवार की गरीबी दूर करनी है तो इस वर्तमान टाइम में कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता। आज देख लीजिए आप, जब भी कोई चपरासी की भी भर्ती निकलती है पांचवी पास लेवल, उसमें भी बड़ी बड़ी डिग्रीधारी भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्म अप्लाई करके एग्जाम्स देने भी जाते हैं। तो फिर आप नौकरी क्यों नहीं लेते हो? सैलरी देखिए आंखें फट जाएगी, ये तो बेसिक पे है मेरे भाई, एक्स्ट्रा इनकम मिलती है, एक्स्ट्रा इनकम, क्योंकि इनको टारगेट दिए जाते हैं। अब इंडियन पोस्ट ऑफिस है, इसमें बहुत सारे कस्टमर हुए, बैंक के खाते भी खोले जाते हैं, बीमा वगैरह करवाया जाता है, तो कमीशन दिया जाता है इनको। ऐसे बोला जाता है कि आप ज्यादा अकाउंट लाइए, ठीक है, ज्यादा बीमा करवाइए, तो उससे सैलरी में एक्स्ट्रा थोड़ा बढ़ जाता है। तो एक्स्ट्रा सैलरी जब हो जाती है दोस्तों, तो न्यू सैलरी बन जाती है बीपीएम की 18,000 प्लस। ध्यान दीजिए, एबीपीएम की हो जाती है 15,000 प्लस। जो भी बताया है सटीक बताया है, मैं कोई फालतू बातें नहीं करता हूं, जो भी बताता हूं सच बताता हूं। नहीं विश्वास तो आज ही चैनल को छोड़ सकते हो, विश्वास है तो अभी से क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं ना कहीं जो भी जानकारी दूंगा ईमानदारी के साथ दूंगा, सटीकता से दूंगा। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स में से 99 स्टूडेंट्स मुझे चाहने वाले हैं। एक जो है वो वायरस है, अब वायरस की वैक्सीन है, आप सब जवाब दे दिया करो उनको, आप वैक्सीन ही तो हो, ठीक है। ये सैलरी होती है मेरे भाई, नौकरी ले लीजिए, फालतू में 10,000-12,000 के चक्कर में ना पड़िए कि इतनी सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की बेस्ट नौकरी है। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपसे कह सकता है कि जीडीएस की बेकार नौकरी है, एमटीएस की बेकार है, मेल गार्ड की बेकार है, पोस्टमैन की बेकार है। अगले पार्ट में दोस्तों पोस्टमैन और मेल गार्ड की भी आपको मैं सैलरी बताऊंगा, एमटीएस से अलग थोड़ा क्या डिफरेंस आता है सैलरी में। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, और कोई समस्या है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। दिल से बात करोगे तो आपके लिए हमेशा हमेशा हाजिर हूं, और गलत तरीके से बात करोगे तो मैं बुरा भी हूं दोस्तों, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से अच्छे अच्छे मैसेज छोड़ देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।